पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस परेड से वंचित रह गई हिमाचल की दो बेटियां, मंचलों को सबक सिखाने के लिए मिला वीर का पुरस्कार। नागपुर में अगले महीने में प्रधानमंत्री के हस्ते मेट्रो का उद्घाटन का मुहूर्त। विदर्भ में कर्क रोग 10 साल में 40% मरीज। अब देखते हैं खबरें विस्तार। देश के 21 बच्चों को इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की ओर से राष्ट्रीय नेता पुरस्कार 2018 में शामिल किया गया था, जिसमें कुल्लू जिले की दो बेटियों का नाम भी था। अफसोस की बात यह है कि इतिहास में पहली बार वीरता पुरस्कार मिलने के बावजूद ये बच्चे 26 जनवरी की परेड से वंचित रहे। दरअसल इन बच्चों को चुनने वाली ICCW पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप है और अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। यही वजह है कि ICCW द्वारा चुने गए बच्चों को गणतंत्र दिवस परेड से अलग किया गया है। नागपुर लोकसभा चुनाव संहिता लागू होने से पहले ही नागपुर मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा, ऐसी प्रयत्न शुरू है। खापरी रेलवे स्टेशन से सीताबर्डी के बीच वन मार्ग पर मेट्रो रेलवे के काम अब समाप्त होने में है। आने वाले माह में ट्रायल रन शुरू होने की आशंका है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी इनके हाथों उद्घाटन होने की उम्मीद है। नागपुर विदर्भ को उपरोग में घेरा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में 40% मुख के कैंसर रोगी बढ़े हैं। तंबाकू खाने से इन रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। तंबाकू खाने वालों में नवयुवकों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। आणि याच्यामध्ये आपल्याला अशी लक्षणं आढळून येतात ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये की एक तर पांढरा चक्का तयार होतो किंवा लाल चक्का तयार होतो किंवा न भरून येतो। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS इंडिया की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।